हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस शेयर की बात कर रहे हैं वो है टूटीकोरिन अल्कली केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट का प्राइस चल रहा है 70 रुपीज़ 50 पैसा। और आज के दिन ये शेयर ओपन हुआ था 69.75 पैसा और इसने हाई लगाया था 72.75 पैसे पे। और अभी फ़िलहाल ये मार्केट प्राइस इसका जो चल रहा है वो है 70 रुपीज़ 50 पैसा। टूटीकोरिन अल्कली केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के बारे में हम आगे जानकारी लेने से पहले आपको बता दूं कि ये जो कंपनी है ये मेनली जो है केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स में डील करती है। और इसका जो प्रोडक्ट्स हैं वो हैं सोडा ऐश, अमोनियम क्लोराइड फर्टिलाइज़र, अमोनियम क्लोराइड टेक्निकल ग्रेड एंड प्योर ग्रेड, सोडियम कार्बोनेट। इन सभी फर्टिलाइज़र्स में और केमिकल्स में ये कंपनी काम करती है। इसका करंट मार्केट का कैपिटल जो है वो 859 करोड़ रुपीज़ है और इसने जो है इस सेशन में हाई लगाया था 78.90 पैसा और इसका जो लो है वो है 15 रुपीज़ 90 पैसा। मतलब ऑलमोस्ट अपने हाई के पास ही है, एक सेफ साइड में आपको एक प्राइस मिल रहा है। बुक वैल्यू उसकी काफ़ी ऊपर है। डिविडेंड फ़िलहाल तो कुछ नहीं देता, फेस वैल्यू 10 रुपये की है। और ये बात यहाँ पे जो मेन हमारे लिए सबसे ज़रूरी बात है वो है 75% की प्रमोटर होल्डिंग है और डेप्थ कंपनी में बहुत ही कम है, 6 करोड़ 30 लैक्स ओनली। तो आइए इसके हम पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स देखें। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो है कि इस बार अच्छा क्वार्टर दे सकते हैं। और जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो है इंटरेस्ट कवरेज बहुत ही कम रेशो है इसका, बहुत ही कम सेल्स ग्रोथ है, ऐसा सब दिखा रहा है। लेकिन ये सब पॉइंट्स की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि कंपनी लाइफ टाइम के मैं लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही सही है। आप यहाँ पे अपना पैसा बिना दिक्कत के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मेघमानी है कंपनी है, गुजरात अल्कलाइज है, TGS है, पंजाब अल्कलाइज है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉर्ड्स केमिकल भी है। और यहाँ पे आपको मैं नीचे दिखाना चाहूँगा, इसका जो सेल्स पैटर्न है वो दिखाना चाहूँगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और यहाँ पे आपको हमेशा ग्रोथ ही देखने मिलेगी, यहाँ पे कोई कमी नहीं आई, ना ही सेल्स में ना ही एक्सपांस में। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है। और यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं अदर इनकम सोर्सेज भी इस बार कंपनी के पास है। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स दोनों में भी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, और लेकिन पहले से ये प्लस में आ रहा है, पहले ये जो नेगेटिव में था अब ये प्लस में आ रहा है। और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं इसकी सेल्स भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ती ही जा रही है, तो जिसका वजह से ये कंपनी जो है फ्यूचर में एक मल्टीबैगर साबित हो सकती है। आइए हम आपको इसके जो है वो बैलेंस शीट की ओर लेके चलें। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बैलेंस शीट में भी कोई ज़्यादा बहुत बड़ा मतलब चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको देखिए कंपनी जो है अपना रेवेन्यू मेंटेन करके चल रही है, और जो डेप्थ की बात है वो कंपनी धीरे धीरे करके ख़त्म हो ही जाएगा, उसका कोई बड़ी बात नहीं है। कंपनी एकदम ट्रस्टेबल है, आपको यहाँ पे से फ़ायदा मिल सकता है आराम से, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से। शेयर होल्डिंग पैटर्न जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंपनी का पहले जो 2019 में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न था वो 93% के आसपास शेयर्स कंपनी ने खुद के पास रखे हुए थे, लेकिन फिर बाद में कंपनी ने शेयर्स हमें सेल कर दिए थे। लेकिन अभी फ़िलहाल भी 75% की प्रमोटर होल्डिंग ही है। और यहाँ पे देखिए गजब की बात यह है कि 17.93 यानी आलमोस्ट 18% की हिस्सेदारी फॉर इन्वेस्टर्स की है, और पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 7.7% का ही है हिस्सेदारी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अपने जो बिज़नेस वगैरह पार्टनर्स वगैरह हैं आपके उनके साथ। और हमारे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को, वीडियोज़ को। थैंक यू सो मच।